द्वारका प्रसाद मिश्र वार्ड के कांग्रेस पार्षद पद प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ठाकुर जित्तू वार्ड में व्यापक जनसंपर्क कर वार्ड की समस्याओं की जानकारी हासिल कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ठाकुर ने वार्ड को स्वच्छ वार्ड बनाने और मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का भरोसा वार्ड की जनता को दिया है। द्वारका प्रसाद मिश्र वार्ड से कांग्रेस के पार्षद पद प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ठाकुर ने वार्ड को स्वच्छ वार्ड बनाने के साथ ही पेयजल संकट, जल प्लावन की समस्या को दूर करने का भरोसा वार्ड की जनता को दिया है। कांग्रेस पार्षद पद प्रत्याशी जितेंद्र ठाकुर और उनके समर्थकों ने वार्ड के अंतर्गत आने वाली प्रजापति बस्ती, ओमकला मंदिर के आसपास का क्षेत्र और अन्य इलाकों में सघन जनसंपर्क किया और वार्ड की समस्याओं को लेकर जनता से चर्चा भी की। क्षेत्र में दिख रहा कि पानी और सफाई की बहुत विषम स्थिति है और अभी पानी गिरा भी तो उसके बाद कई घरों में पानी भर गया। तो हमारी आज जनता से जो चर्चा है और जनता जो चाह रही कि भैया पानी की व्यवस्था कराओ, तो मैं उनको आश्वासन भी दे रहा हूँ कि जैसे ही चुनाव संपन्न होगा और उनका आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले द्वारका नगर में पानी की व्यवस्था कराऊँगा। सड़क नाली सारे विकास छोड़ दे, सबसे पहले प्राथमिकता पानी की हो। कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ठाकुर जित्तू अपने समर्थकों के साथ लगातार वार्ड में व्यापक जनसंपर्क कर रहे हैं।